हरे कृष्ण। बल चाहिए हम लोग को। कल सुन रहे थे ना, बहुत शत्रु है, पालन पोषण करके हम रखा है। हम खाने पीने के लिए, रहने के लिए बंदोबस्त उन लोग का करते हैं, शत्रु के लिए। वो हमको मारेंगे, फिर उनके लिए हमारा व्यवस्था है इस शरीर में। कल सुन रहे थे हम, राग द्वेष आदय, राग द्वेषश्च लोभश्च शोक मोह भयो मदः। भगवत भक्ति की प्राप्ति पर या वैकुंठ जाने पर जो बाधक है, कल हम सुन रहे थे कितना बड़ा बाधक है, ये शत्रु है। उन लोगों को परास्त कैसा करना चाहिए, क्या उपाय है, आज नारद मुनि उल्लेख कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा तात्पर्य में प्रभुपाद कितना लिखा है, तो व्याख्या करेंगे तो 3-4 दिन लगेगा। तात्पर्य लेकर व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा, और इसी में ही सारातिसार शिक्षा है सप्तम स्कंद में। जावत नृकाय रथमात्म वसुपकल्पम धत्ते गरिष्ठ चरणार्चना निसातम, यही शब्द सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण है। गरिष्ठ चरण अर्चना, जो बल मिलता है ना भक्ति योग में, ये गरिष्ठ का चरण, गुरु जी का चरण, गुरु परंपरा में जो आगत गुरु वृंद का चरण सेवा करने से भक्त बलवान होता है। ये एक बुद्धि चाहिए भक्ति योग में। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ये बोल रहे हैं ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि रे कह कुरुनंदन। भक्ति योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए, और ये व्यवसायत्मिका बुद्धि के आधार पर ही गुरु जी का सेवा होता है। और जिन लोग का बुद्धि है तो भक्ति योग में, लेकिन बुद्धि बहुत शाखा है, वो लोग टिक नहीं पाएंगे इधर। शास्त्र ये बोलता है, ये बोल रहा है, नहीं नहीं, ये क्या कौन बोल रहा है ये हमारा मतलब नहीं है। शास्त्र में जो मत है, शास्त्र का मत की आधार को लेकर चलना हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों? शास्त्र में जो मत है वो कर्माधिकारी के लिए भी है, ज्ञानाधिकारी के लिए भी है, भक्ति अधिकारी के लिए भी। अधिकार भिन्न भिन्न है ना। जैसे देखिए, अर्जुन पहला अध्याय में जो बोल रहे थे, क्या झूठ है? गीता का जो पहला अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, जो प्रवचन दिया है, क्या झूठ है? क्या बिल्कुल सत्य है? ये वेद का प्रवचन है। गुरुजन को नहीं मरना चाहिए, लुप्त पिंडोद कर्म क्रिया, वर्ण संकर, ये सब सत्य है, लेकिन अर्जुन के लिए सत्य नहीं। अर्जुन के लिए क्या कर्तव्य है, कौन सा अधिकारी है, कृष्ण को पता है, गुरु जी को पता है। उनके लिए भलाई यही है युद्ध करने में, लेकिन अर्जुन क्या चाह रहे थे? मैं सन्यासी बनूंगा। अरे सन्यासी बनना है या गृहस्थ बनना है या फाइटिंग करना है? तुम सन्यासी बनेंगे और सुभद्रा को कौन शादी करेगा? पता किसको है? कृष्ण को है ना। अधिकार निर्णय करना सिर्फ गुरुजी को पता है। हमारा बुद्धि में जो इसी में मेरा भलाई होगा, हमारा भलाई हमको पता नहीं। अगर हमारा अधिकार हम खुद को पता चल जाता है तो इसका मतलब हम ही गुरु हो गए। सिर्फ युद्ध करना ही है, इसीलिए कितना अध्याय चला गीता में, 18 चैप्टर, 18 अध्याय चला, युद्ध करो। और लास्ट अध्याय में, अंतिम अध्याय में, करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मय अच्युत। इतना सुनने का बाद आप बोलते हैं ठीक, मेरा अभी अधिकार आ गया, मैं युद्ध करूंगा।
तो हम लोग शास्त्र पढ़कर कैसे समझ सकते हैं कि हाँ ये मेरा अधिकार है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं वृंदावन में भजन करूंगा या घर में गृहस्थ बनूंगा या खेतीबाड़ी करूंगा या फैक्ट्री बनाऊंगा, कैसे पता चलेगा हम लोग को? खुद का अधिकार खुद को पता नहीं है, गुरु जी को पता है। इसीलिए ये जो शत्रु है ना भक्ति पथ में, राग द्वेष लोभ क्रोध, उनको परास्त करने के लिए एक असी चाहिए, खड्ग चाहिए, तलवार चाहिए। अर्थ है तो तलवार अब, लेकिन तलवार फिर क्या होना चाहिए? धार रहना, तेज रहना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, तीक्ष्ण तलवार होना चाहिए। धते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम, निशातम शब्द का अर्थ यही है, तेज करना चाहिए। तेज तलवार है ना, चलाने के लिए भी आसानी है, मारने के लिए भी आसानी है। हमारा तेज नहीं होता है, तेज तलवार नहीं है। तलवार तो है, जैसे तलवार कुछ दिन आप रख लेंगे ना, इसमें जंग हो जाता है, कोई काम को नहीं आता। गुरु ग्रहण करने का बाद यही करना है, गरिष्ठ चरण अर्चनया। गीता में हम सुन रहे थे ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए गुरु जी की सेवा करने के लिए और भक्ति योग में रहने के लिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही बुद्धि है, क्या है वो? प्रभुपाद जी हर समय जब लिखते हैं ना, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। गुरुदेव का आदेश पालन करना ही आध्यात्मिक जीवन में सफल रहस्य है, यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हर समय प्रभुपाद यही, आप देखिए तात्पर्य में, कभी गीता में पढ़िए, कभी भागवत में पढ़िए, सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही सफलता है। गरिष्ठ चरण अर्चनया, गुरु जी का सेवा करना है। भगवान ने यहां तक कि दसवां स्कंद में गुरु तत्व सुदामा का पास बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं? द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी में गुरुदेव का चर्चा चला। नाहं इज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमे नवाम, नाहं इज्या, मैं ब्रह्मचर्य धर्म में इतने संतुष्ट नहीं होता। कभी कभी लोग सोचते ना मैं शादी नहीं करूंगा, अरे शादी नहीं किया तो क्या किया? कितना आदमी घूमते हैं इधर उधर, शादी नहीं करते हैं, क्या वो बड़ा हो जाते हैं? शादी नहीं करना हमारा मतलब नहीं है, अरे शादी करना भी ये मेरा मतलब नहीं है। भक्ति योग में इसी से मतलब नहीं है। नाहंग इज्या प्रजातिभ्या, ते प्रजाति कोई संतान जन्म करता है, गृहस्थ धर्म में है। ठाकुर जी बोलते हैं नहीं नहीं, कोई ब्रह्मचारी धर्म में है मैं इसमें भी खुशी नहीं हूं। कृष्ण बोल रहे खुद, कोई गृहस्थ है उनका ऊपर खुशी है क्या? तपसो कोई बानप्रस्थ है नहीं, उपसमाना कोई सन्यासी धर्म में है डंडा लेकर घूमता है इधर उधर नहीं, नहीं। तो किसका ऊपर आप खुशी है? तुष्यम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, चाहे कोई भी हो, अहम सर्वभूतात्मा तुष्य, मैं सब जीव का अंदर में हूं, लेकिन मैं वही भक्त पर, वही जीव पर, वही मनुष्य पर तुष्ट हो जाता हूं जो गुरुदेव का सेवा करता। गुरु शुश्रूषया यथा, गुरुदेव का सेवा जो करता है। इसलिए गुरुदेव जी का, गुरु का सेवा आप करना, गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए एक बुद्धि चाहिए। विषय प्रवणता हमारा है, समझते हैं ना संस्कृत में शब्द है विषय प्रवण, इसका मतलब है तो हम सेवा कर रहे हैं, हमारा बुद्धि विषय का ऊपर हर समय टिकता है, पकड़ता है बुद्धि, इसमें क्या सुख मिलेगा, इसमें क्या सुख मिलेगा, क्या सुख मिलेगा। ठाकुर जी सेवा करते हैं ना, ढूंढते हैं सुख कहां मिलेगा, सुख है उधर लेकिन विषय सुख ढूंढते हैं। लेकिन व्यवसाय का बुद्धि का मतलब ये नहीं है। कभी कभी हमारा ये चिंता आ जाता है ना,
तो इस कान में रहेंगे ना, इस कान में रहेंगे, इतना दिन भजन कर रहे, ठाकुर मिलेगा, शुद्ध भक्त मिलेगा? तो कोई कोई भक्त लोग ने ऐसा तो बोल देते, नहीं नहीं इस कान में शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा। या उनका पास कोई कॉल आया है कृष्ण से, उनको पता है शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा। ये जब शुद्ध भक्त का परंपरा है, शुद्ध भक्ति का परंपरा है, नहीं मिलेगा तुमको कैसा पता चला? हम शुद्ध भक्ति नहीं करते, ये हमारा कमी है, कमी हमारा है, परंपरा में कोई कमी नहीं है, हमारा बुद्धि में कमी है। ये बुद्धि से गुरुदेव का सेवा का। जय श्री श्री गौर नित्य राधारास प्यारी जगत राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय। व्यवसायत्मक बुद्धि क्या है? मैं क्यों ये बोल रहा हूं, ये शब्द प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की तिरोहावी तिथि पर एक प्रवचन ने दिया है। आपने आप देखिए, फोलियो में देखिए, इफ यू strictly try to serve the spiritual master and his order, the Krishna will give us all facilities. हम लोग, हम भक्त लोग अगर कुछ भी गुरुदेव का आदेश को पालन करने के लिए बहुत गंभीरता सहित कुछ भी प्रयास करेंगे, सब व्यवस्था कृष्ण करेंगे हमारे लिए। हम क्या करते हैं, अभी सेवा नहीं करते, खुद के लिए व्यवस्था करते हैं। बाहर के लोग जैसे जीने के लिए तरस रहे हैं, हम खुद का व्यवस्था, मैं कैसे जी जाऊंगा, कैसे कौन सा डिपार्टमेंट को जाऊंगा, खुद का जीने के लिए व्यवस्था है। नहीं 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 नहीं, गुरु जी के लिए करना चाहिए, दैट इज सीक्रेट। ऑल्दो देयर वाज नो पॉसिबिलिटी, आई नेवर थॉट, बट आई टुक इट एंड लिटिल सीरियसली बाय स्टडिंग कमेंट्री बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरा स्वप्न में, मेरा ये चिंता भी नहीं था कि इतना बड़ा संस्था बनेगा, और कहाँ, मैं भारतीय हूँ और वृद्धावस्था है, और कहाँ अमेरिका है। लेकिन मैंने जब पढ़ा प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये कमेंट्री, इसमें मेरा गंभीरता आ गया। मैं गुरुजी के लिए कुछ करने के लिए प्रयास किया, और देखिए सब व्यवस्था हो गया। यही कमेंट्री को आज हम सुनना है। गुरुजी का ऊपर कैसे, गुरुजी का ऊपर भरोसा कैसा रहना चाहिए, और सेवा कैसा करना चाहिए? अभी जो गुरुदेव का सेवा हम कर रहे हैं ना, इसमें हमारा भलाई, हमारा सुख है। हम 100% सरेंडर नहीं है, सेवा ये नहीं है। सेवा का मतलब है ये खुद का सुख छोड़ना ही सेवा है। आपका गांव में कोई आदमी आता है, या घर में कोई आदमी आता है, आप क्या करते हैं? खाना पीना करने का बाद ही आप उसको खिलाता है क्या? खुद का सुख जो छोड़ता है तब तो वो सेवा होता है। सर्वभ्यो अपि बुद्धिभ्यो भक्ति योग विषयिणी एव बुद्धि उत्कृष्टम। जितना बुद्धि है विश्वनाथ चक्र ठाकुर, एक कमेंट्री प्रभुपाद जी ने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बोला ये जब मैं पढ़ लिया, तब गुरु जी के लिए सेवा करने के लिए मेरा मन में इतना गंभीरता आ गया, थोड़ा मैं प्रचेष्टा किया, देखिए सब व्यवस्था हो गया। सर्वभ्य अपि बुद्धिभ्य भक्ति योग विषयिणी एव बुद्धि उत्कृष्टम। जितना बुद्धि है इसमें भक्ति योग विषयिणी बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या है वो व्यवसायत्मक बुद्धि, क्या है? इह भक्ति योगे व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही एव। भक्ति योग में व्यवसायत्मक बुद्धि एक है, दो नहीं है। हमारे तक कितना बुद्धि, खुद का भलाई के लिए हमारा बुद्धि कितना सोचता है, इसी में मेरा भलाई है, इसमें मेरा भलाई है, कीर्तन में मेरा भलाई है। कोई बोलता है नहीं नहीं मैं प्रवचन करूंगा तो इसमें मेरा भलाई है, कोई बोलता है नहीं नहीं मैं सेवा करूंगा तो इसमें मेरा भलाई है। ये बुद्धि का विचार है। एक एव क्या है वो? मम श्रीमद गुरु उपदिष्टम भगवत कीर्तनम स्मरणम चरणम परिचरणादिकम एतद एव मम साधनम। हम लोग का साधन क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रिकमेंड। श्रीमद गुरु उपदिष्ट, गुरुदेव ने हमको जो आदेश प्रदान किया है, जो सेवा प्रदान किया है,
स्मरण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए जो जो आदेश हम लोग को प्रदान किया है, यही मेरा साधन है। चाहे शास्त्र में कितना ऊंचाई तत्व हो, हमारा मन इसका ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम अधिकारी नहीं है। बुद्धि बिगड़ जाता है ना कभी कभी। हमारा गुरुदेव का जो आदेश है, कीर्तनम स्मरणम चरण परिचरणादिकम एतत एव मम साधनम, एतत एव मम साध्यम। सिर्फ साधन नहीं है, एक साधन है एक साध्य है। साध्य का मतलब समझते हैं ना, क्या साध्य है हमारा? साधन तो करते हैं हम, हरिनाम साधन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, गुरुदेव का आदर्श पालन करना, यही मेरा साधन है और यही मेरा, यही हमारा साध्य है। तब हम सोचेंगे इतना साल मैंने मंदिर में रहा, भक्ति होता है कि नहीं, किसको पता चलेगा, मैं गोलक वृंदावन जाऊंगा कि नहीं। एतत एवं मम जीवातु, यही मेरा जीवन है। गुरुदेव ने मुझे जो उपदेश दिया है, यही पालन करना मेरा जीवन है। जीवातु साधा साधन साध्य दशायाम स्तिक्तु अशक्यम, साधन को छोड़ना, गुरुदेव ने मुझे जो आदेश दिया इसको छोड़ना, या साध्य अवस्था में प्रेम प्राप्ति हो जाने का बाद भी इसको छोड़ना भी असंभव। एतत एवं काम्यम, यही मेरा कामना है। एवं कार्यम, यही मेरा कार्य है। गुरुदेव का आदेश ही मेरा काम्य है, ये मेरा कार्य है। एतत अन्य नमे कार्यम नापि अभिलषणीयम, इसी को छोड़कर दूसरा काम में मेरा अभिलाष नहीं है। ये क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। जो कहा है गुरुदेव ने उसको ही करना है। इसका सिवा चाहे कितना सुंदर भक्ति का अनुष्ठान हो, मन उधर नहीं जाना चाहिए। ये भक्ति नहीं है, ये मन का भक्ति है। मन सोचता है इसमें मेरा भला ही है, इतना माला जप करूंगा, ये करूंगा, वृंदावन जाऊंगा, ये खुद का विचार है, ये व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं है। स्वप्न अपि अत्र स्वप्न अपि न अन्य अभिलषणीयम, स्वप्न में भी मेरा अन्य चिंता नहीं है, सिर्फ गुरुदेव का आदेश पालन करना ही मेरा लक्ष्य है। अत्र सुखमस्तु दुखमस्तु, और पालन करने में, गुरुदेव का आदेश पालन करने में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, दोनों में आया। संसार नश्यतु वा न नश्यतु, प्रभुपाद ने इसी को पढ़ा। प्रभुपाद ने बोला मुझे इतना गंभीर लगा, इसमें मैं थोड़ा ट्राई किया, ठीक है मैं गुरुदेव के लिए कुछ करूंगा। तब गुरुदेव ने सब फैसिलिटीज मुझे दे दिया। आज जिन जिन लोग इस्कन में बहुत बड़ा प्रचार रखे या बहुत बड़ा पदवी में है, जो कुछ है उनका बैकग्राउंड यही है, गुरुजी के लिए किया है कुछ, इसीलिए गुरुजी उनको दे रहे हैं ये पद, कृष्ण दे रहे हैं। खुद के लिए जो हर समय खुद की व्यवस्था में है, उन लोग के लिए कुछ भी नहीं है, भक्ति योग में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब गुरुजी के लिए करना चाहिए, कृष्ण के लिए करना। खुद के लिए एक व्यवस्था करेंगे तो एक माया एक लात लगाएंगे, इसका उनका बाउंड्री का बाहरी, बस फुटबॉल जैसा हो जाएंगे आप। खुद के लिए कुछ करना है तो चलिए संसार में, माया जगत में करिए, इधर आए हैं हम गुरु और कृष्ण के लिए। ये खुद के लिए एक व्यवस्था करने का स्थान नहीं है, ये बैकुंठ है। बैकुंठ में जो कुछ करना आप चाहते, किसी के लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए करना है। सुखमस्तु दुखमस्तु संसार नश्यतु बान नश्यतु, मेरा उद्धार संसार से मेरा उद्धार हो या नहीं हो, ये भी चिंता नहीं करना चाहिए। गोलक वृंदावन जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये चिंता भी छोड़ना चाहिए, ये व्यवसायत्मिक बुद्धि। अब तत्र मम कापि न क्षति ही, इसमें मेरा कोई क्षति नहीं है, मुझे संसार से चाहे छुटकारा मिले या नहीं मिले, ये है व्यवसायत्मिक बुद्धि। इसको व्यवसायत्मिक बुद्धि बोलते हैं। और इसी बुद्धि के आधार पर गुरु जी का सेवा करना चाहिए, गरिष्ठ
ये है ना, धत्ते गरिष्ठ चरणार्चना निसातम, तीक्ष्ण बनाना चाहिए असी को, खड़ग को, तलवार को, गुरु जी का सेवा करना चाहिए। और प्रभुपाद जी हर समय वही तात्पर्य में देखिए, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, कितना बार प्रभुपाद जी गीता में भागवत में सब लिखा है। और सुदामा को यही बोला है, एतदेव हि सशिष्यै कर्तव्यां गुरु निष्कृतम् यद वै विशुद्ध भावेन सर्व अर्थार्पणम् गुरुम्। एतदेव हि सशिष्यै, संदीपनि जब कृष्ण और बलराम दोनों ने लकड़ी ढोकर लाए थे ना, तो आए नहीं, रात भर खड़े रहे, बरसात हो गया, ठंडे के मौसम में बरसात, रात भर वो लकड़ी लेकर खड़े रहे मस्तक के ऊपर, और सुबह सुबह संदीपनि मुनि ने गया गुरु जी की सेवा। कृष्ण के लिए गुरु सेवा करना क्या जरूरी है, वो संकल्प करेंगे तो कितना लरी लकड़ी आ जाए संदीपनि मुनि का आश्रम को, लेकिन उन्होंने नहीं नहीं गुरु सेवा करना है ना, मुझे जाना है, खुद गया कृष्ण और बलराम। और सुदामा उस समय थे, आज सुदामा को वही बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, तुमको पता है ना हमें दोनों मिलकर कैसे गुरु सेवा किए थे। और संदीपनि मुनि ने जब दर्शन किया, कृष्ण और बलराम दोनों कांप रहे थे, मस्तक ऊपर लकड़ी है, और यही वाक्य बोले, एतत एव हि सत्शिष्य। शिष्य दो प्रकार की है, एक सत शिष्य एक असत शिष्य, सुपुत्र और कुपुत्र, तीन तीन वैरायटी के है। हम जजाति चरित जाएंगे ना, पुत्र भी है ना, यही चार है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, और एक मौल है, मूत्र है। उत्तमम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारितु मध्यमः, अधम अश्रद्धयात् कुर्यात् अकर्ता उच्चरितः पितुः। चार प्रकार के पुत्र है और चार प्रकार के शिष्य है। इसमें आप सोच लीजिए हम लोग का स्थिति क्या है, पूर्व प्रवचन दे रहे हैं, पिताजी को यौवन देने से पहले ये प्रवचन दे रहे हैं, और ये प्रवचन देकर ही बहुत दुखी हो गए कि गुरुदेव मैंने, पिताजी मैंने फर्स्ट क्लास पुत्र नहीं हुआ, उत्तम पुत्र नहीं हुआ, मैं सेकंड क्लास हुआ। तब बोला ठीक है पिताजी शरीर लीजिए। चार प्रकार के पुत्र होते हैं और चार प्रकार के शिष्य भी होते हैं। इसमें शिष्य समझ लीजिए, उत्तमम चिंतितम गुर्यात्, जो पिताजी क्या चिंतन कर रहे हैं, या इसका मनोभाव क्या है, गुरु जी का मनोभाव क्या है जो पकड़ते हैं, ये उत्तम है, उत्तम पुत्र। उत्तम पुत्र कौन थे, एक उदाहरण दीजिए। नहीं, परशुराम मध्यम पुत्र है, उत्तम पुत्र थे पितामह भीष्म। संतनु ने शादी करने के लिए प्रतिशोध दे दिया था ना किसी को, दशराज की कन्या सत्यवती को, लेकिन उनका जो कंडीशन था, शर्त था, नहीं भीष्म शादी नहीं करना चाहिए। पितामह भीष्म तो पुत्र को बताएगा कैसा, लेकिन पितामह भीष्म ने पकड़ लिया, पिताजी दुखी क्यों है, उत्तम पुत्र है। चिंतितम कुर्यात्, पिता क्या सोच रहे हैं, शिष्य यही है, उत्तम शिष्य। देखिए द्रौपदी जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर ने क्या सोच रहे हैं, उनका मनोभाव क्या है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, रूप गोस्वामी जैसा है, प्रभुपाद जैसा है, ठाकुर जी का क्या मनोभाव है, उसी के हिसाब से ही इसको उनको चला है। और आज देखिए वही आश्रम, जितना बाहर के आश्रम है गौड़ी संप्रदाय, सब फॉलो कर रहे हैं किसी को, इसको उनको उत्तम है। उनको पता है ये कलयुग में ये भक्त लोग के लिए यही
प्रोसीजर है, ये उपाय। उत्तम चिंतितम कुर्यात, उत्तम पुत्र कौन है? जो पिताजी जो चिंता, उत्तम शिष्य भी वही है, उत्तम शिष्य। गुरु जी चिंता जो कर रहे हैं उसको करना चाहिए, बोलने से करते हैं ना। ये सेकंड क्लास हो गए। प्रोक्तकारी तु मध्यम, बोलने का बात जो करता है। परशुराम जमदग्नि ने बोला कि परशुराम मार दो माता को, गर्दन काट दो, उठाया काट लिया। वो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं। और द्वितीय श्रेणी के शिष्य यही है, गुरुदेव जो बोलते हैं ना उसको पालन करते हैं। अभी कितना ये सेकंड क्लास की है यार, हम लोग कौन सा क्लास में जाएंगे? सेकंड क्लास तो गया, फर्स्ट क्लास तो बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट क्लास तो गया, सेकंड क्लास बोलने का बाद भी करना मुश्किल है ना, ये नहीं करते हम, पालन नहीं करते हैं। तो सेकंड क्लास भी गए। और थर्ड क्लास, थर्ड क्लास कौन है? अधमा अश्रद्धयात कुर्यात, नहीं करते हैं अश्रद्धयात, श्रद्धा नहीं है फिर भी करते हैं, विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है, करते हैं ठीक है चला लीजिए, क्या करे साधु बने हैं तो रहना है, जीना है, तो मंदिर में रहेंगे तो कुछ सेवा करना है, दीक्षा लिया है तो कुछ करना है, ऐसे ही करते हैं हम। अश्रद्धया कुर्यात, यो पुत्र या शिष्य अश्रद्धा में करता है, श्रद्धा नहीं, प्यार नहीं है। ठाकुर जी का सेवा बिना प्यार में नहीं होता है, प्यार चाहिए, पहले प्यार उसका बाद सेवा। सेवा का मतलब यही है, एक कर्म है और एक सेवा है। एक कर्म शब्द, अरे ये सेवा है प्रभु जी के लिए, प्यार चाहिए। जो थर्ड क्लास कौन है? प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है, फिर भी करता है। तो इस विभाग में कितना परसेंट आएंगे हम लोग, तो विचार कर लीजिए। और एक क्लास भी है, वो तो पिता की मल की बराबर है, मल समझते हैं ना, यही है विष्ठा की बराबर है। और यही एक शिष्य, शिष्य भी एक फोर्थ क्लास के शिष्य। अकर्ता उच्चरिता पितुः, अकर्ता जो पिता गुरुजी का आदेश पालन नहीं करता है, वो मल की बराबर है, विष्ठा की बराबर है। सेवा क्या करेंगे? धत्ते गरिष्ठ चरणया अर्चनया निशातम, गुरु जी का सेवा करने के लिए कम से कम सेकंड क्लास होना चाहिए, मिनिमम प्लेटफॉर्म, जो बोल रहे हैं उस इतना ही करना चाहिए। और मनभाव को पकड़ कर सेवा करना, ये तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बात। ये सब शिष्य कहाँ मिलेगा अभी? कहाँ मिलेगा? 10 बार बोलने का बाद फिर भी गुरु जी को पूछते हैं, गुरु जी क्या करना है? ये करने से अच्छा नहीं होगा? गुरु जी को ये बुद्ध बनाते हैं आजकल जो आए हैं। कुछ बोलने का अधिकार नहीं है गुरु जी का, सामने बोलने का अधिकार शिष्य का नहीं है, यही शिष्य का पोजिशन है। शिष्य का स्थिति यही है, गुरु जी का सामने बोलने का अधिकार आपका नहीं है, जो बोल रहे हैं तथास्तु बोल, आज्ञा ठीक है ठीक है ठीक है, अब जो बोलते हैं ये ठीक है। इसी में बुराई भलाई, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, ये प्रभुपाद जी ने ये बोला है, शास्त्र ये बोला, नहीं, बोलने का अधिकार नहीं है। जिसका बोलने का अधिकार है वो शिष्य नहीं, कोई बोलने का अधिकार नहीं। जिस दिन हमने गुरु जी से समर्पण हुआ, दीक्षा ले लिया ना, अभी हम अधीन है। अगर कुछ बोलना है तो 10 बार पैर पकड़कर प्रणाम करके अनुमति लेकर बोलना है, गुरु जी ये बोलना चाहता हूं, उपदेश नहीं। आजकल उपदेशिया गुरु बहुत हो गए हैं, गुरु जी तो गुरु जी का पोस्ट में है, उपदेशिया गुरु बहुत है, ये चेला लोग उपदेशिया गुरु हो जाते हैं, वो उपदेश श्रवण करते करते वो एक गुरु हो जाते हैं, सबको उपदेश देने लगते हैं, फिर बाद में गुरु जी को उपदेश भी देते हैं, ये उपदेशिया गुरु हो जाते हैं। ये शिष्य का काम नहीं। एतत एव हि सशिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, निष्कृतम ऋण शोधनार्थम, गुरु जी का ऋण को शोधन, ऋण बोलते हैं ना हिंदी में, ऋण,
ऋण शोधन करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग, हम ऋणी है। सर्व अर्थ आत्म समर्पणम गुरु, गुरु जी को जितना धन संपत्ति है ना सब दे देना चाहिए, जितना है प्रॉपर्टीज, आपका कुछ नहीं है ब्रह्मचारी लोग का प्रॉपर्टी भी है, क्या प्रॉपर्टी है, ये शरीर है, शरीर को देना चाहिए। और गृहस्थ लोग का जो बाड़ी वगैरह सब कुछ है ना सब दे देना चाहिए, सब गुरु जी का है, शास्त्र का यही सिद्धांत है। इधर भी दसवां स्कंद में यही है, सप्तम सप्तम स्कंद में ही आप पढ़ रहे थे ना, गुरु शुश्रूषया भक्त्याम सर्वलब्धार्पेण च संगेना साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनान च। प्रहलाद महाराज यही बात बोल रहे हैं, सर्वलब्धा अर्पणन च, जितना है आपका पास लब्धा सब गुरु का है, कहां मिलेगा आजकल ऐसा शिष्य। भक्ति सिद्धांत सोसो ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का ग्रस्त भक्त थे, कटक में है ना रेवेंसा कॉलेज में, वो प्रोफेसर थे, रेवेंसा कॉलेज में प्रोफेसर थे, निशिकांत सानियाल उनका नाम था, निशिकांत सानियाल, जो दीक्षा नाम में भूल गया हूँ, ठाकुर जी का शिष्य था। और उनका महीना में किराया मिलता है ना, महीने के अंत में जितना किराया मिलता है सब लाकर गुरुदेव को दे देते, घर में बीवी है बेटा है सब कुछ है, प्रोफेसर है, जितना सब दे देते, तो घर चलेगा कैसा। ठाकुर जी भक्ति सिद्धांत सोसो ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने खुद का जो सेक्रेटरी है ना उनको पैसा देते, तुम ले जाओ उनका माताजी को देकर आओ, तो सब दे देता है ना, उनका पास कुछ नहीं, तो उनको पता चल जाता था, वो पत्नी को पूछ रहा था माताजी तुमने सब्जी कहां से लाई, मैं गुरुजी ने भेजा है पैसा, तब बोलता है ये देखिए ये गुरुजी का पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं है गुरुजी का पैसा है, एक पैसा जैसा नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा शिष्य कहां मिलेगा। अभी एक प्रोफेसर है, महीना में जितना किराया सब गुरुजी का, गुरुजी को दे देते। ब्रह्मचारी जीवन में भी ऐसा है, इस शरीर गुरुजी के लिए जब भी बुलाया जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है, 6 घंटा सेवा करना है या मिनिमम 6 घंटा है, कंडीशन जो करता है वो तो भक्त नहीं, बुला जाने पर जब बुलाया जाए तब सेवा है, चाहे रात हो दिन हो गुरुजी के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। सोल्जर लोग का क्या कंडीशन है पता है ना आपको, जो BSF क्या बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहते हैं ना, क्या है उनका कंडीशन, 24 घंटा युद्ध घोषणा हो गया तो रात दिन खड़े होकर टट्टी करेंगे, उधर जाने इधर उधर नहीं जाएंगे, खड़ा होकर रहेंगे उधर, खाने पीने के लिए ऊपर ऊपर से आता है, उधर खड़े खड़े खाते हैं, फिर बंदूक पकड़कर खड़े होते हैं। भक्त जीवन ऐसा ही, गुरुजी के लिए बिल्कुल प्रस्तुत, ऐसे साधु भी थे, ऐसे भक्त, ऐसे गुरु से भी गरिष्ठ, तभी तो आप जो खड़ग है ना, जो तलवार है, तब तो निशात तेज होगा ना, तब तो माया को परास्त करेंगे। गुरुजी की सेवा बिना माया तरना यह संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं। कृष्णा नित्य दास जीव ताहा भूली गला, कृष्णा नित्य दास जीवा ताहा भूली गला, एई दोसे माया तार गलाए बांधिल, एई दोसे माया तार गलाए बांधिलम। हमको जो माया सुन रहे थे ना काल, माया जो गलाए बांधिला, पता है ना आपको बकरी का गला में क्या लगता है, देखे ना बकरी कैसा करता है, मां मां बोलता है छोड़ देता है क्या, गला में लगता है ना, ऐसे माया ने गला में रज्जू डालकर रस्सी डालकर खींचता है जीव को,
सबको खींचेगा। क्यों जी? भूल गया एक चीज, क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं। ये महाप्रभु बोल रहे हैं, इसीलिए जीव का जो कष्ट इस संसार में, एक चीज के लिए, मैं भगवान का दास। जब भगवान का दास हूं तो माया का दास मैं क्या हूं? क्या मैं संसार का दास हूं? मेरा बेटा का दास हूं? मेरा बीबी का दास हूं? क्या मैं तो गुरु जी का दास हूं, कृष्ण का दास हूं? तो सेवा किसके लिए करना चाहिए? तो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है? माया का सेवा करने के लिए टाइम है। जिसके लिए हम दुख भोग रहे हैं वही काम कर रहे हैं। तब सनातन ने प्रश्न किया महाप्रभु जी, प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि जीव विस्मरण हो गया कि वह कृष्ण का दास है इसीलिए दुखी है, तो मुक्त कैसा होगा? माया की कबल से, माया की हस्त से उनका मुक्त कैसा होगा? एक ही उपाय, यही सिद्धांत, दत्ते गरिष्ठ चरण, यही एक उपाय। ताते कृष्णा भजे करे गुरु र सेवना, ताते कृष्णा भजे करे गुरु र सेवना, माया जाल छुटे पाए कृष्णेर चरण, माया जाल छुटे पाए कृष्णेर चरण। दो काम करना है हमको, ये महाप्रभु का सिद्धांत, जो भागवत का सिद्धांत है ना, सारा तिसार चैतन्य चरितामृत है। हमारा गुरुदेव इसलिए कहा करते हैं ये पीजी कोर्स है, रिसर्च स्टडी है, जितना शास्त्र का सार साराति सार चैतन्य चरितामृत है। जीव कृष्ण दास है, जीव कृष्ण का दास है, ये विस्मरण हो गए, भूल गए, इसीलिए इसका दुख है। तब सनातन प्रश्न कर रहे प्रभु उसका उद्धार कैसे संभव है, तब ये बोला है, ताते कृष्णा भजे करे, सिर्फ कृष्ण भजन नहीं है, कभी ये शास्त्र का सिद्धांत नहीं है, ये गौड़ीय वैष्णव लोक का सिद्धांत नहीं है, मैं कहां भी रहूंगा भजन करूंगा कृष्ण मुझे प्राप्ति हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं। ताते कृष्णा भजे करे गुरु र सेवन, कृष्ण का भजन करना चाहिए और गुरु जी का सेवा करना चाहिए, ये अस्त्र है, अस्त्र को तेज करना है, तीक्ष्ण करना है। ज्ञाना शिवलम ज्ञानासी अच्युत बलम दधते सशत्रु, लिखा है ना, गुरु का सेवा करने से ज्ञान ये तलवार है, ये तीक्ष्ण होता है, तेज होता है, इसी में शत्रु को हम परास्त कर सकते। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छुटे पाए कृष्ण र चरण, तब तो माया हमको छोड़ देगा। भजन से नहीं छूटता है, क्या भजन करेंगे? शरीर अविद्या जल हम बोलते हैं और अविद्या जल का बीच हरे कृष्ण करते हैं, इस शरीर को लेकर तो भजन करते हैं ना, हमको तो पता है ना शरीर अविद्या जल, पता है ना, गुरु जी का कृपा चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए, यही तो तात्पर्य में प्रभुपाद कितना बार इसको लिखा है, नहीं सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, गुरु जी का सेवा करना चाहिए, यही सेवा, बहुत प्यार से गुरु जी का सेवा करना चाहिए। अरे ये तो वही सत्शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, ये सत्शिष्य का कर्तव्य है, गुरु जी का ऋण को शोधन करने के लिए सब देना है, इस शरीर को देना है, ब्रह्मचर्य लोक का ये शरीर संपत्ति है, उसको दे देना है, जब भी बुलाया जाएगा तब चलो गुरु जी का सेवा करना है, गुरु जी का सेवा करना। पहले जमाने में ऐसा ही था, पहले गुरु सेवा उसका बाद ही मंत्र। आजकल क्या हो जाता है, थोड़ा सेवा में एक साल का बाद मंत्र मिल जाता है ना, तब वो सोचता है मैं तो अभी गुरु हो गया, शिष्य बनने के लिए थोड़ी कोई आता है, आजकल शिष्य गुरु ज्यादा है, शिष्य काम है, ठाकुर ज्यादा है, पुजारी काम है, वक्ता बहुत है, श्रोता काम है, हर जगह में यही तो गुरु मनोभाव सबका हो जाता है। गुरु जी का सेवा क्या है उनको पता नहीं है ना, मंत्र प्राप्ति कर लेता है ना, मन में अहंकार आ जाता है,
पहले जमाने में ये नहीं था, मंत्र जब तक सेवा मनोभाव नहीं है तब मंत्र गुरुजी प्रदान नहीं करते थे। महाभारत में एक प्रसंग है, आप शायद सुना होगा, एक बहुत बड़ा ऋषि था, बहुत प्रसिद्ध गौतम ऋषि का पुत्र शिष्य था, उतंक गौतम का शिष्य था। कोई ही गौतम ऋषि का आश्रम को आता है ना, वो सोचता है कि मैं उतंग जैसा गुरु से भी होंगे, ऐसा बनूंगा, उतंग जैसा गुरु से भी बनूंगा। उतंग बहुत बड़ा गुरु से भी थे, ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं किए थे, पता नहीं था। तो सेवा करते करते, गुरुजी का सेवा करते करते बुढ़ा हो गया, उनको पता नहीं बुढ़ापन आ गया, उनको पता नहीं था कि मुझे बुढ़ा हो गया। कब पता चला? एक दिन वो लकड़ी ढोकर लाते थे, पहले जमाने में तो उसको क्या बोलते हैं, जटा बनाते हैं ना, ब्रह्मचारी लोग केस धारण करते हैं, जटा बना लेते हैं, सफेद बाल वगैरह हो जाता है। तो वही जटा के ऊपर लकड़ी लेकर आ रहा था, लकड़ी लाया तो आश्रम में फैल दिया, नीचे फैला। जब नीचे फैला ना तो श्वेत केस है वो निकला, एक केस, वो केस देखा, बाल देखा, कहाँ, लकड़ी का ऊपर, रोना चालू कर दिया। क्यों रोना, क्यों रो रहे थे? मैं बुढ़ा हो गया, आज पता चला, बचपन में आया, सेवा करते करते बुढ़ा हो गया, उनको पता नहीं है, लेकिन हमको पता चलता है, इतना साल हो गया आश्रम में, तो क्या सेवा हम कर रहे हैं? शरीर का स्मरण है ना, पिता माता का स्मरण है ना, घर का स्मरण, घर का एड्रेस जब भूल जाएंगे तब तो सेवा हो रहा है। जब कोई पूछेंगे आपका घर कहाँ है, पूर्वाश्रम कहाँ है, कहाँ है पता नहीं चलता है, तब तो सोचना चाहिए कि हम सेवक है। हमारा तो सब कुछ एड्रेस, अभी एड्रेस नहीं था, अभी बुला ले, मोबाइल आ गया ना, वो बंधु है ना, वो बंधु है। तो जब भूल जाएंगे संसार शरीर सब भूल जाएंगे तब तो सेवा होता है। तो रोना चालू कर दिया, तब गौतम ऋषि ने दूर से देखा कि अरे अरे उत्तंक रो रहे, क्यों रो रहे, हर दिन आनंद में सेवा कर रहा था, आज रो रहे क्यों? उनका लड़की का नाम सुशीला है, सुशीला को भेजा, सुशीला तुम जाओ, चक्षु से जो लोतक आता है ना, रोता है ना, उसको तुम पकड़ लो, क्योंकि वो गुरु से भी है, वो इतना सेवा मेरा सेवा किया है ना, उसको धारण करने का क्षमता धरणी माता का नहीं है, बिघल जाएगा, धरणी माता बिघल जाएगा, ये गुरु से भी है, बचपन से सेवा किया है, जाओ जाओ तुम पकड़ो। लेकिन वो जब पकड़ने के लिए कोशिश किया, उनका हस्त में धारण करने की क्षमता उनका भी नहीं रहा, इतना तेज अस्त्र, शक्ति संपन्न अस्त्र था। तब गौतम ऋषि खुद आया, बेटा उतंक तुम क्यों रो रहे ना, गुरुजी मैं बूढ़ा हो गया। अरे तुम आज बूढ़ा हो गया, तुमको पता चला आज, इसीलिए रो रहे हैं, सबको तो बूढ़ा होना होगा, क्यों रो रहे? नहीं नहीं गुरुजी, आप मेरा साथ कितना भक्त आए, आपका सेवा किए, आप सबको घर को भेज दिया शादी करने के लिए, मुझे आप क्यों नहीं बोला कि तुम जाओ शादी करो, क्यों नहीं बोला? बुढ़ा हो गया ना, तब उनका याद आता है, तो मैं शादी तो नहीं किया हूं, इसका मतलब आप सोच समझते हैं ना, शादी नहीं किया हूं, बुढ़ापन में याद आ रहा है ये, तो केस को देखकर, सफेद केस को देखकर याद आ रहा। तब गुरुजी ने बोला क्या है, ये मेरा दोष नहीं बेटा, ये तुम्हारा भी दोष है, तुम कभी बोला है, तुम कभी बोला है कि गुरुदेव मैं घर को वापस जाऊंगा गांव को, तुम तो कभी नहीं बोला है ना गुरुजी, आप भी बोलना चाहिए था ना। तो गौतम ऋषि ने बोला कि उतंक मैं तुम्हारा सेवा में इतना संतुष्ट हूं, इतना संतुष्ट हूं, मेरा मन कभी नहीं बोलता है कि उत्तम तुम जाओ आश्रम से, तुमने मुझे प्रार्थना नहीं किया और मेरा इच्छा भी नहीं है तुमको छोड़ने के लिए। तो
तुम्हारा बुढ़ापन आ गया तो कि इसमें मेरा क्या दोष है? क्या तुम अभी शादी करने के लिए चाहते हो क्या? तो मैं दे देता हूं, तुम्हारा गुरु जी जो सेवा तुमने किया है ना, उसका बल तुम्हारा पास ही है, मेरा पास नहीं। सेवा का बल साधक का पास है, शिष्य जो गुरु जी का सेवा करता है ना उसका पास ही बल है, गुरु जी प्रदान कर देते। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, सेवा करने से करुणा शक्ति, भगवान की करुणा शक्ति खुद शिष्य का पास आ जाता है। तो तुम्हारा पास सब बल है, तुम अगर संकल्प करोगे ना अभी तुम युवक हो जाएगी, नव युवक हो जाएगी। देखो ट्राई करो, उतंग ने संकल्प किया मैं युवक बनूंगा, तत्क्षण युवक बन गया। गुरुदेव तो मैं अब घर को वापस जाना चाहता हूं, ठीक है तुम जाइए, लेकिन तुम शादी करना संभव नहीं है। कौन बोल रहे हैं? गौतम, क्यों? तुम्हारा जैसा गुरु सेवी को तुम जिसको शादी करेंगे ना, कोई लड़की संसार में नहीं है तुम्हारे वीर्य को धारण करने में समर्थ है, तुम जैसा गुरु सेवी हो कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, मेरा कन्या है। शादी करेगा तुम करना चाहते हो तो यही मेरा कन्या को शादी करो, तुम्हारा जैसा गुरु सेवी कहां मिलेगा? तुम्हारा वीर्यों को धारण करने में समर्थ सुशीला का है, मेरा कन्या का है, ले जाओ मेरा कन्या, शादी करने का इच्छा तो इसी को ले। देखिए गुरु सेवा का क्या शक्ति है, दूसरा कोई नारी नहीं है तुम्हारा वीर्यों को धारण करने में समर्थ है। तब उत्तंक ने सोचा, जब गुरुदेव ने खुद का कन्या को मुझे दे रहा है शादी करने के लिए, तो गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहिए ना। गुरुदेव ने बोला यही दक्षिणा है, और क्या दक्षिणा चाहिए तुमको? मैं मेरा कन्या को दे रहा हूं तुमको शादी करने के लिए, तुम फिर चाहते हो कि गुरु दक्षिणा कुछ देना है? गुरु दक्षिणा बोलते हैं ना हिंदी में, दक्षिणा देते हैं ना होता, तो क्या करे? वो बार बार बोल रहे थे नहीं नहीं मुझे देना है, मुझे देना है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ अहल्या को पूछो। अहल्या ने बताया नहीं बेटा उतंक, आश्रम में तुम बालकपन से आए तो अभी तो बुढ़ा हो गए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा सेवा तुमने इतना सेवा किया, दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं गुरु दक्षिणा नहीं देने से विद्या संपन्न नहीं होता है, मैं सुना हूं, मुझे देना है। गुरु जी ने इनकार कर दिया, आप भी इनकार कर देते नहीं नहीं कुछ देना है। तो बोला ठीक है देना चाहते हो तुम, जा सोदास की पत्नी है उसका नाम है मदयंती, उनका पास से कुंडल है, ये ऐसा है कुंडल है इसमें स्वर्ण टपक रहे हर समय, और उसको लेने के लिए संसार में इंद्र से लेकर जख्य से लेकर कुबेर सब तरस रहे वो छिन्न करके लेने के लिए, तुम उसको लाकर मुझे दो। तो गौतम ऋषि को पता नहीं था, अहल्या ने भेज दिया। तो गौतम ऋषि ने पूछा तो क्या हुआ, उतंग कहां गया? तब अहल्या ने बताया कि मैंने उसको भेजा हूं मदयंती से कुंडल लाने के लिए। अरे तूने सर्वनाश कर दिया, तुमको पता नहीं है मदयंती सती नारी है, मदयंती और सौदास अभी वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ की अभिशाप से राक्षस है, और उतंग जाएगा ना तो क्या होगा, तो भक्षण कर देगा। तब रो रहे थे गौतम, रो रहे थे। इसमें ये महाभारत में जो प्रसंग है ना, इसमें हम लोग को सीखा है जो गुरुदेव का सेवा करता है ना देवता लोग उनको सहाय होता है, और जो गुरु का सेवा नहीं करता है मंत्र लेने का बाद देवता लोग उनको गिराते हैं। वो जब चालू पथ में गया एक वीर, तो पथ में ही साक्षात हो गया किसका साथ, सौदास का साथ। वो तो राक्षस हुआ था, उसको भोजन करने के लिए प्रस्तुत हुआ, मैं तुमको भोजन करूंगा, आपको पता है मैं कौन हूं? देखिए गुरु से भी उत्तंग बोल रहे हैं, मैं गौतम का शिष्य उत्तंग हूं, तुम कोई भी हो
नहीं तो राक्षस हो, मुझे क्या पता है तुम गुरु से भी हो कि मुझे भोजन करना है ना, मुझे भोजन, आप मुझे भोजन करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक एक काम कीजिए, सिर्फ में कुंडल लेकर सोदास की पत्नी का कुंडल लेकर गुरुजी को दे दूंगा, गुरु पत्नी को दे दूंगा अहल्या को, उसका बाद मैं वापस आ जाऊंगा, आप मुझे भोजन कर लेना। कितना अनुरोध करने का बाद वो छोड़ दिया, ठीक है तुम जाओ 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 जाओ, अरे मैं ही सोदास हूं, तुम जाओ मेरा पत्नी को बोलो, वो तुमको कुंडल दे देंगे। तुम जैसा गुरु से, देखिए एक राक्षस का भाव बदल गया, एक राक्षस भावापन्न सोदास वो गुरु सभी को दर्शन किया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ना, नाहं इज्ज्या प्रजातिभ्या तपसोपशमेन वा तुष्टायं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। सुदामा संदीपनी ने यही बताया था, गुरु सेवा में जितना संतुष्ट होता हूं, ये वर्णाश्रम धर्म की पालन करने से इतना संतुष्ट नहीं होता, यही भगवान की मत है, यही मत की आधार पर हमारा ये इष्कन चल रहा है, गुरुजी का सेवा करना है, गुरुजी का सेवा करना है कृपा। अरे भागवत की आधार यही है, धते गरिष्ठ चरणार्चनया निसातम, गुरुजी का सेवा करना है, और ज्ञानासि ये खड़ग तलवार, जो ज्ञान की तलवार, उसको तेज करना है, तीक्ष्ण करना है, अरे इसी से शत्रु को परास्त करना, खुद का बल पर नहीं, ये संभव नहीं। तब वो जब मदयंती के पास गया तो बोला कि आप दे दीजिए कुंडल, मदयंती ने बोला कि उतंक तुमको पता नहीं, ये कुंडल में, कुंडल को लेने के लिए संसार में सब लोग तरस रहे हैं, सब लोग तरस रहे हैं, ये संभव नहीं है तुम्हारे लिए, नीचे तुम अगर उसको रख लोगा ना तो नाग नाग लोग उसको ले जाएंगे, सो जाएंगे ना, उसको पहनकर तुम सो जाते हैं ना, इंद्रा इंद्र उसको चुरा लेंगे, और पवित्र उसको होकर उसको धारण करना होता है, उसको अगर एक कुंडल को कोई धारण करता है ना, भूख नहीं लगता है, सुस नहीं लगता है, कोई रोग नहीं होता है। तो बोला ठीक है, तुम्हारा पति ने बोला है देने के लिए, नहीं 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 तुमको पता चला है तो इसीलिए तुम आयो, मेरा पति बोला है इसका क्या प्रमाण है, तुम जाओ मेरा पति को बोलो कि एक संकेत मुझे देना चाहिए, फिर वापस आए उतंक। जब वापस आए तब बोले कि आप कुछ संकेत दीजिए, पत्नी नहीं दे रहा है, तब संकेत दे दिया, कुंडल दे दिया, कुंडल को लेकर आ रहे थे, बीच में रास्ता में भूख लगा। देखिए ठाकुर जी का क्या लीला है, एक गुरु सेवी के लिए कितना व्यवस्था है, देवता लोग कैसे सहाय करते हैं, ठाकुर जी हमको सिखा रहे हैं सेवा करो, गुरु जी का सेवा करो, तुम्हारा पीछे में सब है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, देवता लोग सहाय करेंगे, और खुद का व्यवस्था में रहेंगे तो सब ये देवता लोग भी तुमको विरोध करेंगे, गिरा देंगे। वो एक बेल का गच्छ, ये तो है बेल का गच्छ है ठाकुर जी का सामने, बेल का पेड़ देखा, बेल का पेड़ का ऊपर भूख लग रहा था, वो तो मृग चर्म धारण किया था, हरी हिरण का जो चर्म है ना उसको धारण किया था, उसको कवर कर दिया वो कुंडल को, ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शाखा होता है ना, शाखा का बीच में जो स्थान है उसी का ऊपर रख लिया, वो रखते रखते ही थोड़ा उतर रहा है, इसी का बीच एक बेल गिरा, इसी का ऊपर वही कुंडल का ऊपर जहां वो कवरिंग करके रखा था मृग चर्म पर, उसी का ऊपर गिरा, तब कुंडल नीचे गिरा, तब नाग आया उसको लेकर नीचे गया उसका सामने, तब उतंक ने देखा अरे सत्य बात है, मदयंती ने यही बोला था मुझे गुरु दक्षिणा देना है, छोटा लकड़ी लाया उसको खुदाई कर, 35 महीना तक खुदाई किया, लकड़ी में तुम नाग लोग जाएंगे, तब इंद्र का दया आया, इंद्र आया एक ब्राह्मण की बेस में, बोला तुम क्या कर रहे हो, मुझे नाग लोक जाना है, तुम पागल है क्या, नाग लोक जाएंगे लकड़ी के खोद कर, अगर नाग लोक में नहीं पहुंचूंगा ना, गुरुजी का सेवा मुझे करना है,
इस शरीर आपके सामने त्याग कर दूंगा। इस शरीर का क्या मूल्य है? गुरु जी का सेवा, हर छोटा छोटा हरिदास है ना, छोटा हरिदास शरीर क्यों त्याग कर दिया? चैतन्य महाप्रभु अगर इस शरीर में सेवा नहीं लेते हैं तो इस शरीर का क्या मूल्य? त्याग कर देना चाहिए। इस शरीर कोई जरूर गुरु जी का सेवा में नहीं लगा तो ये क्या है? माया इसको भूख करेंगे, इसे बेटर है उसको छोड़ देना है कोई तीर्थ में। तब इंद्र ने बोला ठीक है ठीक है, तो उनका वज्र ना लकड़ी का सम्मुख लगा दिया, अग्रभाग में लगा दिया, तो वज्र में खुदते खुदते वो चला गया कहां ना। लेकिन नागलोक में जो व्यवस्था देखा वो भी निराश हो गया। इतना नागलोक है, हर जगह में सूर्य नहीं है लेकिन किरण है, अमृत का कुंड है, सब मुकुट पहनकर घूम रहे इधर उधर, कहां इधर मिलेगा कुंडल, कहां मिलेगा? तब रो रहे थे क्या करूं क्या करूं गुरु जी का सेवा की। तब अग्निदेव ने प्रकट हो गया, अश्व रूप लेकर घोड़ा की रूप लेकर प्रकट हो गया कि बोला कि देखो मेरा पूछ में आग लगा दो, तब तो नागलोक को पता चलेगा तुम्हारा कुंडल कहां रखा है, लगा दो। तो ये मेरा पास क्या मैचिस है क्या, कुछ तो नहीं है, तो आग कैसे लगा? देखिए देव गुरु भक्त को कैसे सहाय मिलता है, गुरु सेवी को कैसे सहाय मिलता है। बोला तुम ऐसा करो सिर्फ हवा दे दो, मुख में हवा थोड़ा दे दो, आग लगा पूरा नागलोक में। तब जितना बड़ा बड़ा नाग थे ना सब आए, पैर पकड़े किसी का उत्तंग का, क्या चाहिए क्या चाहिए, मेरा कुंडल लाया है ना मुझे दे दियो, दे दीजिए ये मेरा गुरुजी का कुंडल है, दे दीजिए। तब तो कुंडल लेकर आया और अहल्या को प्रदान किया। तब गौतम ऋषि का सामने पूरा इतिहास बताया मैं कैसे कैसे लाया। गौतम ऋषि ने बहुत आनंदित हुआ। तब एक बात बोला देख उतंक तुमने बहुत बड़ा सेवी हो लेकिन गुरुजी का सामने कभी क्या बोलते हैं उड़िया में जिद्दी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जिद बोलते हैं वो हिंदी में भी ऐसा है, अच्छा जिद नहीं करना चाहिए। मैंने मना कर दिया कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, पत्नी ने लेकिन तुमने जिद किया है, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, नहीं गुरु का सामने ये नहीं करना चाहिए। तुम जैसा समर्थ पुरुष ने ये कार्य कर लिया लेकिन तुम्हारा अगर कोई अनुसरण करेगा तो क्या होगा? गुरु के सामने कोई भी जिद नहीं करना चाहिए, गुरु जो जो बोलते हैं उसको करना चाहिए। यही बात पर मैं ये बोल रहा था, आपने पढ़ा होगा यही अध्याय में आता है ना गुरु सेवा की महिमा, असंकल्पात जयत कामम कामम क्रोधो विसर्जनात, कैसा कैसा किसको काम कैसा छोड़ना है, क्रोध कैसा छोड़ना है, निद्रा कैसा छोड़ना है। लेकिन सबको छोड़ने के लिए प्रेम भक्ति जहा हिते अविद्या विनाश जाते वेदगाय जहार चरित, भागवत में यही सिद्धांत है। ये भजन मत सोचिए, ये भागवत का सिद्धांत है। कभी कभी भक्तों का मन में ये आया है ना, लोग ने इसे लिख लिया है, शायद आचार्य लोग ने इसे लिख लिया है, क्या ये संभव है? गुरु जी को सिर्फ गुरु जी का करुणा में जितना अविद्या है अनर्थ है, भागवत का यही सिद्धांत है। एतत सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषा अंजसा ही जयत, यही अध्याय में पिछले में, एतत सर्वम गुरु भक्त्या, काम क्रोध जितना दोष है साधक का सब नष्ट हो जाता है गुरु भक्त्या, गुरुदेव की चरण में भक्ति हो जाता है ना। अंजसा जयत एक शब्द लगा है, अंजसा आराम से आसानी से काम क्रोध सबको परास्त करने में समर्थ हो सकता है साधक। इसीलिए धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम ज्ञानासी अच्युत बलम दधते सशत्रु, और गुरु जी का कृपा और भगवान की, अब क्या है, अब गुरु जी का सेवा करना तो अब सप्तम स्कंद भागवत में यही है, फर्स्ट कंटो में प्रथम स्कंद में यही है,
हर स्कंद में गुरु जी का सेवा का महिमा है। ये सप्तम स्कंद में है ना प्रहलाद की शिक्षा पर, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु जी का सेवा भक्ति से करना चाहिए, न तो प्रतिष्ठा दिना। प्रतिष्ठा की मनोभाव, बड़पन की मनोभाव रखकर कोई सेवा नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए गुरु जी का। इसमें ज्ञानासी तलवार, ज्ञान तलवार तेज होता है, इसी में हम माया को परास्त करने में समर्थ, नहीं तो ये संभव कभी संभव। आजकल तो सेवा चलता है क्या, दिखाने के लिए मैं बड़ा हूँ गुरु जी का पास पास, सब बोलते हैं जब भी गुरु जाते हैं ना पास में रहते हैं। सेवा अनुकूल में होता है। गुरु जी का बात को कैसे हम पकड़ेंगे, उनका मनोभाव क्या है, उसको लेकर ही सेवा होता है। जैसा कोई पत्नी है कि घर में सब काम करता है, सब काम करती है, साफ सुथरा सब काम करती है, कुकिंग वगैरह सब कुछ करती है, लेकिन स्वामी का आदेश पालन नहीं करता है, क्या बोलेंगे? सब करती है, स्वामी का आदेश पालन नहीं करता, सती है क्या? सती नहीं है। तो कोई भक्त सेवा में बहुत दक्ष है, सब क्वालिटी है, कीर्तन भजन सब कुछ करता है, लेकिन गुरु जी का असत्य शिष्य। आजकल तो सेवा यही, मैंने कहा शायद पुणे में बोला था, आजकल तो सेवा में यही होता है। तो दो सेवक थे, गुरु जी का दो सेवक थे, आपस में झगड़ा हर समय होता है, सेवक का बीच में झगड़ा कभी नहीं होता है, झगड़ा। प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं ना, गोपी का, गोपी लोग कितना, गोपी लोग का बीच कंपटीशन है, कंपटीशन हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ प्रतियोगिता है बीच में, लेकिन झगड़ा नहीं, कृष्ण को सुखी करने के लिए हमारा ये गोपी भाव है। ये दोनों बीच, ये दोनों गुरु से भी थे, दोनों का बीच हर समय झगड़ा चल रहा था, हर समय मैं सेवा करूंगा, क्योंकि मैं सेवा करूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा गुरु से भी है, वो बोलता है नहीं मैं सेवा करूंगा। कब जब गुरु सोते हैं तो गुरुदेव ने बोला ठीक है तुम ऐसा करो, तुम भी दोनों ही सेवा करने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है ऐसा करो, क्या करते हैं पांव दबाते हैं ना, गुरुदेव बोला ठीक है तुम्हारा ये राइट दाहिने पाए तुम्हारा है, ये बाँ पाए तुम्हारा, तुम सेवा करो, ये झगड़ा को मिटाने के लिए, झगड़ा को मिटाने के लिए ऐसा कर दिया, दे दिया दो पांव। तो एक दिन गुरुजी ने बहुत घूम घूम के आए, तो जिस दिन आए उस दिन बाँ पैर वाले आए, दाहिने पैर वाले नहीं आए, तो गुरुदेव बोल रहे कि बाएं पैर वाले भक्त को देखो दाएं पैर बहुत दर्द हो रहा है, तुम इसको दबाओ, नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा है क्या, आपने मुझे सेवा दिया है बाएं पैर, ये दाहिने पैर वाला वो नहीं आया, ये उनका कसूरी है, मैं सेवा नहीं करूंगा। गुरुदेव बोला अरे पैर तो मेरा ही है ना, ये तो मेरा ही है, नहीं ये आपका हुआ तो क्या हुआ, आपने उनको सेवा दिया है, यही हो रहा है ना मंदिर में, ये उनका डिपार्टमेंट है तो उसको क्या हो रहा है, मुझे क्या मतलब है, ये क्या डिपार्टमेंट श्रृंखला के लिए है। गोलक वृंदावन में यही डिपार्टमेंट नहीं है, पुजारी डिपार्टमेंट और प्रीचिंग डिपार्टमेंट, उधर कुछ डिपार्टमेंट नहीं, एक ही डिपार्टमेंट है बस, कृष्ण का सेवा करो। इधर हम श्रृंखलित नहीं है, हम उद्धत है, हमको श्रृंखला करने के लिए इतना डिपार्टमेंट क्या चाहिए, जिसको जो सेवा है उसको ऑर्डर देना चाहिए, चलो ये करो करो, हम ये नहीं करते, इसको हमको श्रृंखला करने के लिए डिपार्टमेंट है। तो बोले ठीक है, गुरुदेव बोले कैसा शिष्य है, देखो आपस में झगड़ा लगा, मैं तो इसको दो भाग कर दिया, देख फिर भी ऐसा है, ठीक है सो गए गुरुजी। दूसरा दिन गुरुजी ने घूम घूम कर आए, तो बाँ पार पैर दर्द हो रहा था, उस समय दाएं वाला नहीं आए, तब जब बोल रहे थे दाएं वाला को ये देखो बाँ पैर, नहीं 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 ये मेरा पैर नहीं, वो जिसका है उसको बुलाओ, आप उसको बुलाओ, मैं उसको क्यों सेवा करूंगा। गुरु जी बोला ये कैसा शिष्य है कैसा शिष्य है,
एक दिन दो ना बैठे हैं गुरु जी, बहुत चलते घूमते फिरते बहुत टायर्ड हो गए, दोनों बैठे हैं तो पैर आपको पता होता है ना, रात में नींद जब ज्यादा हो जाता है तो पैर इधर उधर चलाता है, जब ये डाहन वाला पैर बां पैर वो फेंक देता है, क्यों आप इधर आते हो, चलो इधर, और बाएं वाले जब डाहन क्या डाहने जाते हैं ना, डाहने वाले फेंक देता है, ये पैर क्यों आते हैं। अरे गुरु जी बोलते ऐसे ही क्यों गिरते हैं, उनका तो खूब नींद आ गए हैं, डायर वाले बाएं ओर फेरते हैं, बाएं वाले डाएं ओर फेरते हैं। तब देखा कि बार बार गुरु जी को बहुत नींद आ रहा है, वो टायर्ड हो गए, क्लांत हो गए, ये डाइन वाला पैर जितना फेंकते हैं ना बाएं तरफ आ जाता है। तब उसने उठा एक पत्थर लाया, ये क्यों इधर आते हैं, और पत्थर लाया जमा कर लगा दिया है। बोला ये सेवा, ये क्यों इधर आते हैं, आजकल ये ही गुरु सेवा है। इसी से आप समझ लीजिए, ज्यादा व्याख्या करने का कोई जरूरत नहीं, आजकल यही हम नुकसान कर देते हैं खुद की सेंटिमेंट के लिए, चाहे मंदिर का हो, तो उनका डिपार्टमेंट है, वो उनको संभालेंगे, पैसा नुकसान होता है वो उनका डिपार्टमेंट होगा, इसे मेरा ना मतलब क्या है, ये क्या सेवा है, सेवा नहीं, सेवा नहीं, सेवक का मनोभाव यही नहीं है, इसी से भला ही नहीं होता है, गुरु जी का सेवा करना है। गरिष्ठ चरणार्चनया निषातम, खूब सावधानी से सेवा करना, बंदे मुई सावधान श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, एक शब्द लगा है यही सबसे बड़ा बलवान शब्द है प्रेम भक्ति से, सावधान मत बी केयरफुल, क्या हम कर रहे हैं, गुरु गुरु का सेवा करने से पहले दीक्षा से पहले हमारा स्वतंत्रता था, अभी सावधान, बी केयरफुल, सावधान होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, अगर स्वतंत्र जीवन यापन करने की आपका इच्छा है दीक्षा मत लीजिए, दीक्षा लेने का मतलब यही होता है, अगर कोई टेस्ट भक्ति यज्ञ में कोई स्वाद मिलेगा आपको तो यही उपाय है, खुद का जो प्रयास है छोड़ देना चाहिए, खुद का स्वतंत्रता छोड़ देना चाहिए, गुरु जी का सेवा करना चाहिए, यही सिद्धांत है। ये तो बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, बहुत सुंदर तात्पर्य, ज्ञानासि अच्युतबलम दधते अस्त शत्रु, शत्रु को गुरु सेवा से परास्त कर सकते हैं, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं। हरे कृष्ण, ठीक है।